नमस्कार, मैं पिंटू सिंगिया तो आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप सभी के चहेते ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और भोजपुर इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह को लेकर हमेशा विवाद चलता रहता है। और इस समय एक विवाद और भी शुरू हो गया जब खेसारी लाल यादव ने मंच से ये कह दिया कि मर जाइब तब वो बच्चा पैदा ना हुई। और इस बयान को सरेआम जो है पवन सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पवन सिंह जो हैं वो दो शादी किए हैं, जिसमें कि उनकी एक पत्नी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो वहीं दूसरी पत्नी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रहा है और इन दोनों को मामला जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में विचाराधीन है। इस कड़ी में उनकी पत्नी जब ऐसी बातें सुनी होगी तो ऑब्वियसली एक पत्नी के तौर पर इस तरीके की चीज़ें फीलिंग होती है। और इस बीच में अब जो है उनकी पत्नी जो है ज्योति सिंह ने उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। पत्नी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ऑफिशियली तौर पर जो तलाक है वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है, तो अभी तक तो पत्नी ही मानी जाएगी। उन्होंने क्या कुछ कहा इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा। तो आपको पता ही होगा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह का आए हर रोज कोई ना कोई गाना रिलीज ही होता रहता है, जिसकी वजह से वो चर्चा में बने रहते हैं। हालांकि पवन सिंह विवादों की वजह से भी काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। कई एक्ट्रेस के अलावा एक बार खुद उनकी पत्नी ने भी उन पर संगीन आरोप लगा दिए थे। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि जिसकी वजह से उन्हें अदालत में भी जाना पड़ा। खैर, फिलहाल ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वायरल होने की वजह ज्योति की खूबसूरती, लिबास और लुक्स तो हैं ही, लेकिन उनके जरिए लिखा गया कैप्शन जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ज्योति सिंह ने ऐसा कैप्शन लिखा है जिसकी वजह से पवन सिंह घेरे में आ गए हैं। ज्योति ने लिखा है कि पहले उनको खौफ था कि वो किसी को खो ना दे, लेकिन अब दुआ है कि उस इंसान का सामना ना हो। ज्योति सिंह के इस रूप को देखकर सभी हैरान हैं और उनके कैप्शन को पवन सिंह पर शायराना अंदाज में हमला बोल रहे हैं। ज्योति सिंह के इस पोस्ट पर उनके और पवन सिंह के चाहने वाले लोग खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक ने लिखा है कि आपकी वजह से पवन भैया को सुनना पड़ता है। एक अन्य यूजर लिखा है कि प्लीज आप भैया के जीवन में फिर से लौट आइए ना। एक और यूजर ने कमेंट में लिखा है कि भाभी जी, अगर मेरा बस चलता तो मैं फिर से आप दोनों को एक करके कर देता, लेकिन अब शोश है। बता दें कि पवन सिंह की पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। उनकी पहली पत्नी नीलम जो है वो सुसाइड कर ली थी। इसके बाद उभरती एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह के साथ भी उनका नाम जुड़ा, लेकिन अचानक दोनों के बीच अनबन हुई और पवन सिंह ने ज्योति से शादी कर सभी को चौंका दिया था। लेकिन पिछले दिनों से ज्योति और पवन सिंह के बीच भी काफी ज्यादा गड़बड़ चल रहा है और कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने मर्दानगी और बच्चा पैदा करने वाले की बात कही, इस पर ज्योति सिंह का निशाना है। बहर आके आपको क्या लगता है बताइए। धन्यवाद।